हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5 संस्कृत का पंचदशा पाठ, 15वां पाठ, जिसका नाम है परस्परम आश्रिता। परस्परम मीन्स होता है आपस में, आश्रिता मीन्स आश्रित रहते हैं, जो परस्पर आपस में जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। बच्चों, हम सब पूरी संसार में कोई ना कोई हर किसी से क्या है, हर किसी पर आश्रित है। तो इस पाठ में हमें परस्पर आश्रित रहने की बात बताई गई है। तो पाठ में है, लिखा है, एकम सुंदरम वनम अस्ति। एकम, एक सुंदर वन, वन मीन्स जंगल, अस्ति मीन्स है, एक सुंदर जंगल है। तत्र, तत्र मीन्स होता है वहाँ, अनेका अनेक, वृक्षा वृक्ष, लता लता, लता मीन्स होता है जब पुराने जंगल होते हैं तो उन पर लताएं दिखती हैं। पुराने जंगल में बहुत पुराने पुराने वृक्ष होते हैं तो उनमें लताएं होती हैं। और गुल्मा च शांति, गुल्मा मीन्स होता है झाड़ियाँ, च शांति, च मीन्स और शांति मीन्स है। वहाँ अनेक वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ हैं। सिंह, भल्लूक, गज, शूकर, हरिणादय, च पशुआ, शेर, भालू, गज मीन्स हाथी, शूकर सुअर, हरिणादय मीन्स हिरणों का झुंड जो होता है, बहुत सारे हिरण, च पशुआ, ये पशु क्या रहते हैं, उस जंगल में रहते हैं। सेनह, सेनह मीन्स होता है बाज, सुकह तोता, पिकह कोयल, तितिरह मीन्स होता है तीतर, मतलब गिद्धों का समूह, पक्षिणा च निवसंती, ये सब पक्षियाँ कहाँ रहती हैं, उस जंगल में रहते हैं। एकदा, एक बार, तरुण वृक्षा मीन्स होता है छोटे छोटे पेड़ परस्परम आपस में वदंती, बोलते हैं। छोटे छोटे पेड़ हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? अरे अरे, अस्मद आश्रिता, अस्मद आश्रिता, जो हम पर आश्रित पशु पक्षिणा, पशु पक्षी, सर्वत्र, सभी जगह, मलमूत्रादिकम, मल और मूत्र कुर्वन्ती, करते हैं, प्रदूषणम, प्रदूषण च उत्पादयन्ति, उत्पादयन्ति मीन्स होता है उत्पन्न करते हैं। कहते हैं कि अरे, ये जो हम पर आश्रित है पशु पक्षी हैं, ये सभी जगह मल मूत्र करते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तस्य दुर्गंधेन तु श्वास ग्रहणम अपि कठिनम भवति। तस्य, उसकी दुर्गंधेन, दुर्गंध से, दुर्गंधेन मीन्स दुर्गंध से, तु श्वास ग्रहणम अपि कठिनम भवति। इसकी दुर्गंध के कारण क्या होता है, सांस लेना भी कठिनम, कठिन भवति मीन्स होता है। कह उपाय भविष्यति, कह क्या उपाय करेंगे कि क्या हो, यस्माद् एते भीता भवेयुः, क्या उपाय करेंगे कि इनके अंदर क्या हो जाए, भीता, उन डरे हुए, भीता मीन्स होता है डरे हुए, भवेयुः मीन्स होता है हो, इनके अंदर क्या हो, डर उत्पन्न हो, मतलब इनके अंदर ऐसा कुछ भय हो कि अब हमें इन पेड़ों के ऊपर नहीं बैठना है। कहा उपायः भविष्यति, क्या उपाय किया जाए, तो तब तदा एकः तरुण वृक्षा वदति, तब एक छोटा वृक्ष बोलता है,
वयं मिलित्वा कंपनं करिष्यामः तेन पशुपक्षिणः इतः गमिष्यन्ति। कह रहे हैं वयं मीन्स हम सब, मिलित्वा मीन्स मिलकर, कंपनम कंपन मतलब पेड़ को हिलाएंगे, करिष्यामः कंपन करेंगे तेन, उससे क्या होगा ये सब पशु पक्षी इतः गमिष्यन्ति, यहाँ से गमिष्यन्ति मीन्स चले जाएंगे, हम सब मिलकर पेड़ को हिलाएंगे, कंपन करेंगे पेड़ पर और क्या करेंगे फिर ये के पशु पक्षी यहाँ से चले जाएंगे। तदा तदा मीन्स तब तेषां वार्तालापं श्रुत्वा एकः वृद्धः वृक्षः वदति। तदा तब तेषां वार्तालापम, उनकी इस बात को सुनकर, वो जो छोटे छोटे पेड़ थे वो आपस में जो वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसको सुनकर एक वृद्ध वृक्ष बोलता है, बूढ़ा वृक्ष बोलता है, एतत् उचितम नास्ति, यह उचित नहीं है, पशु पक्षिणः एव अस्माकं बांधवा संति, पशु पक्षी भी हमारे क्या हैं, बांधवा मीन्स मित्र हैं, पशु पक्षी भी हमारे क्या हैं, मित्र हैं, वयम परस्परम आश्रिता, वयम मीन्स हम सब, परस्परम मीन्स आपस में एक दूसरे पर क्या है आश्रित है, पशूनाम भयात अस्माकं शत्रुवः मनुष्या वनम न आगच्छन्ति। कह रहा है कि पशुओं के डर से अस्माकं शत्रुवः, हमारे जो शत्रु हैं मनुष्य, हमारे पेड़ पौधों के शत्रु कौन है मनुष्य, तो हमारे जो शत्रु हैं मनुष्य वनम न आगच्छन्ति, वन में नहीं आते हैं, येन अस्माकं कर्तनम न भवति, जो क्या होता है तथा इससे क्या करते हैं हमें कर्तनम मीन्स काट नहीं सकते हैं, काट नहीं पाते हैं, वयम सुखेन निवसामः, हम क्या करते हैं सुख से रहते हैं, जब हमें कोई डर नहीं है कि हमें कोई काटेगा तो हम क्या करते हैं बहुत सुखी से रहते हैं, खुशी से रहते हैं और बहुत सुख का अनुभव करते हैं। पक्षिणा यत्र तत्र बीजानि प्रक्षिपन्ति येन अस्माकं वंश वृद्धिः च भवति। पक्षिणा पक्षिणा पक्षी यत्र तत्र मीन्स यहाँ वहाँ बीज, बीज क्या करते हैं प्रक्षिपन्ति, प्रक्षिपन्ति मीन्स क्या करते हैं फेंकते हैं, जिससे क्या होता है अस्माकं हमारी वंश वृद्धि होती है, हमारी वंश वृद्धि मीन्स एक पेड़ से फिर अगर बीज इधर उधर फैलाएंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं और उनकी वंश में वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है वृद्ध वृक्षा पुनः कथयति, वृद्ध जो वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष था, वो पुनः पुनः कहता है कि भो तरुण वृक्षा, ओ छोटे छोटे पेड़, चिंतयन्तु सोचो, यदि अस्माकं कर्तका यदि हमें काटने वाला मानव मानवा अत्र आगमिष्यन्ति, यदि हमें काटने वाला जो मानव है यहाँ आ जाए तो तरह ही किम भविष्यति, तो क्या होगा सोचो जरा, अगर मानव यहाँ आ जाए तो क्या होगा, तो तब क्या होता है एतद् श्रुत्वा सर्वे तरु वृक्षा चिंतयन्ति, यह सुनकर सभी छोटे छोटे पेड़, तरु वृक्षा में छोटे छोटे पेड़ चिंतयन्ति सोचते हैं, यद् कर्तका अस्माकं कर्तनं कुर्वन्ति, जब यद् मतलब जब कर्तका काटने वाले अस्माकं हमें कर्तनम कुर्वन्ति काटा करते हैं, तो क्या होता है वयम भूमो पतामह, हम सब क्या हो जाते हैं भूमि पर, पतामह मीन्स गिर जाते हैं, हम सब भूमि पर गिर जाते हैं और क्या करते हैं
रोदनम च कुर्मः, और रोते हैं। जब सब हमें मानव हमें काटता है तो क्या करते हैं, हम सब भूमि पर गिर जाते हैं और हम क्या करते हैं, रोते हैं। तदा एकः, तब एक तरुण वृक्षः करुण स्वरेण वदति, तब एक छोटा पेड़ करुण स्वरेण करुण स्वर में, मतलब दुखी स्वर में वदति मीन्स बोलता है, क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, एतद् न भविष्यति, यह नहीं होगा, पशु पक्षिणा अस्माकं कृते, पशु पक्षी हमारे लिए क्या है, लाभदायक अपि सन्ति, हमारे लिए लाभदायक भी हैं, अतः वयम सर्वे मिलित्वा निवसामः, अतः हम सबको क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, मिलकर हम सब मिलकर रहते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर वृद्ध वृक्ष बूढ़ा वृक्ष प्रसन्न भवति, प्रसन्न मीन्स होता है खुश, भवति मीन्स होता है, यह सुनकर बूढ़ा वृक्ष खुश होता है। तो बच्चों, हम सब आपस में एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी बहुत कठिन हो जाएगा। बच्चों, ये था इसका पाठ का सारांश, अगले वीडियो में करेंगे इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।